गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई लर्निंग क्लास ऑफ सेंट माइकल्स एकेडमी हिंदी ऑफ क्लास 3। तो आज हम लोग पाठ 8 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है लिंकन की दाढ़ी। यह पाठ अब्राहम लिंकन की जीवनी से संबंधित है, और लिंकन जो है वो बहुत ही लोकप्रिय थे, और उनकी लोकप्रियता का एक कारण यह है कि वे आम जनता से जुड़े नेता थे। और इस पाठ से हमें यह संदेश दिया जा रहा है कि हम कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, हमें अपने मानवीय मूल्यों को नहीं छोड़ना चाहिए, तथा दूसरे जो हमें सुझाव देते हैं, हमें उनके सुझाव की कद्र करनी चाहिए, और यही गुण है जो हमें महान बनाता है। तो हम पाठ की तरफ चलते हैं। बात उन दिनों की है जब अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं बने थे। वे शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। उनका शरीर दुबला पतला था। एक लोकप्रिय नेता के रूप में लोग उन्हें बहुत चाहते थे। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने उनकी तस्वीरें भी अपने घरों में टांग रखी थी। तो यह बात उन दिनों की है जब अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं बने थे, और वे बहुत ही शांत स्वभाव के व्यक्ति थे, और उनका शरीर जो है वो दुबला पतला था, और वे लोगों के एक बहुत ही लोकप्रिय नेता थे। वो इतने लोकप्रिय थे कि लोग उनकी तस्वीरों को अपने घरों में टांगते थे। आगे बढ़ते हैं। उन्हीं दिनों न्यूयॉर्क के वेस्टफील्ड नामक शहर में ग्रेस बीडल नाम की एक छोटी सी बालिका रहती थी। एक दिन उसके पिता मेले से लिंकन की तस्वीर लेकर आए और उसे घर में दीवार पर टांग दिया। लिंकन का नाम ग्रेस ने भी सुन रखा था, और उनके प्रति उसके मन में सम्मान भी था, किंतु तस्वीर में लिंकन उतने प्रभावशाली नहीं दिख रहे थे। ग्रेस ने अपनी माँ से कहा, माँ, लिंकन यदि अपनी दाढ़ी बढ़ा ले तो वे और भी प्रभावशाली लगेंगे। तो न्यूयॉर्क उन्हीं दिनों न्यूयॉर्क के वेस्टफील्ड नामक शहर में ग्रेस बीडल नाम की एक लड़की रहती थी, छोटी सी बच्ची रहती थी। तो उसके पिता ने मेले से एक दिन अब्राहम लिंकन की तस्वीर खरीद कर ले आए और उसे अपने घर में अपनी दीवार पर टांग दिया। तो जब ग्रेस जो है उसने भी अब्राहम लिंकन का नाम सुना था, और उसके मन में उनके प्रति सम्मान भी था, लेकिन जब उसने अब्राहम लिंकन की तस्वीर देखी तो वो उसे उतने प्रभावशाली नहीं लगे तस्वीर में। तो ग्रेस ने अपनी माँ से कहा कि माँ, अगर अब्राहम लिंकन अपनी दाढ़ी बढ़ा ले तो वे और भी प्रभावशाली लगेंगे। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। माँ ने ग्रेस की बात सुनकर अनसुनी कर दी, लेकिन ग्रेस ने ठान लिया कि वह अब्राहम लिंकन को पत्र लिखकर उन्हें दाढ़ी रखने का सुझाव तो देगी ही। वह अपने कमरे में गई और अब्राहम लिंकन को पत्र लिखने बैठ गई। इस पत्र के प्रमुख अंश इस प्रकार हैं। तो जब ग्रेस ने अपनी माँ से कहा तो माँ ने उसकी बात अनसुनी कर दी, लेकिन ग्रेस ने यह ठान लिया कि मैं उन्हें पत्र लिखूंगी और उन्हें दाढ़ी रखने का सुझाव दूंगी। तो यहाँ पर उसने पत्र लिखा है, और उसके कुछ प्रमुख अंश यहाँ पर हैं, इस प्रकार है, जिसे हम लोग अभी पढ़ेंगे। वेस्टफील्ड, न्यूयॉर्क, 15 अक्टूबर 1860। माननीय एबी लिंकन, महोदय, मेरे पिता अभी अभी मेले से आपकी तस्वीर लेकर आए हैं। मैं 11 वर्ष की छोटी बालिका हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति बने। मुझे आशा है कि आप जैसे महान व्यक्ति को पत्र लिखने का साहस करने वाली मुझ जैसी बालिका का आप बुरा नहीं मानेंगे। क्या आपकी मेरे जितनी छोटी बेटियां हैं? यदि हैं तो उन्हें मेरा प्यार देंगे और उनसे कहेंगे कि वे मुझे इस पत्र का जवाब दें। यदि आप स्वयं ना दे पाए तो
वो छोटी सी बालिका ग्रेस जो है वो पत्र लिखना शुरू करती है, और पत्र में वो लिखती है कि मेरे पिताजी अभी अभी मेले से आपकी तस्वीर लेकर आए हैं और मैं 11 वर्ष की छोटी बालिका हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति बने और मुझे आशा है कि आप जैसे महान व्यक्ति को पत्र लिखने का साहस मुझ जैसी बालिका जो कर रही है आप उसका बुरा नहीं मानेंगे। और साथ ही साथ वह यह भी कहती है कि पूछती है कि क्या आपकी मेरी जैसी छोटी बेटियां हैं, तो यदि हैं तो आप उन्हें मेरा प्यार दीजिए और उनसे कहिए कि आप अगर व्यस्त हो अपने कार्यों में तो इस पत्र का जवाब वे दे दे मुझे अगर आप स्वयं ना दे पाए तो। आगे पढ़ते हैं, मेरा सुझाव है कि आप अपने चेहरे पर दाढ़ी बढ़ा लें, इससे आपका चेहरा भरा भरा लगेगा और आप अधिक आकर्षक लगने लगेंगे। मुझे लगता है कि तब अधिक से अधिक लोग आपको वोट देंगे और आप अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाएंगे। बस इतना ही, आपकी ग्रेस बीडल। उसके बाद पत्र में आगे ग्रेस लिखती है कि मेरा एक सुझाव है कि आप अपने चेहरे पर दाढ़ी बढ़ा लें, इससे आपका चेहरा जो है वो भरा भरा लगेगा और आप और अधिक आकर्षक लगेंगे और मुझे लगता है कि तब इससे आपको लोग और अधिक से अधिक वोट देंगे और आप अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाएंगे। उसके बाद वो ग्रेस बालिका अपना पत्र अंत करती है और लिखती है बस इतना ही, और नीचे अपना नाम लिखती है। आगे पढ़ते हैं, इस घटना के कुछ दिनों बाद लिंकन एक बार वॉशिंगटन जाते समय वेस्टफील्ड रुके थे। वहां हजारों की संख्या में लोगों ने उनका स्वागत किया। लिंकन ने वहां मंच से भाषण दिया। भाषण देने के बाद उन्होंने भीड़ को आवाज देते हुए कहा, यदि ग्रेस बीडल यहाँ मौजूद हो तो मैं उनसे उससे मिलना चाहूंगा। तो एक बार इस घटना के बहुत दिनों बाद, कुछ दिनों बाद लिंकन जो है एक बार वॉशिंगटन जाते समय वेस्टफील्ड रुके हुए थे, तो वहां हजारों की संख्या में लोग उनका स्वागत करने के लिए खड़े थे और वो लिंकन वहां पर मंच पर भाषण दे रहे थे। भाषण देने के बाद उन्होंने भीड़ को आवाज देते हुए उस छोटी सी बच्ची ग्रेस बीडल के बारे में पूछा कि अगर ग्रेस बीडल आप यहाँ मौजूद हैं तो मैं आपसे मिलना चाहूंगा। आगे देखते हैं, भीड़ को चीरते हुए ग्रेस के पिता उसे साथ में लिए लिंकन के पास पहुंचे। लिंकन ने ग्रेस से ढेर सारी बातें की। अंत में उन्होंने कहा, ग्रेस मेरी दाढ़ी की ओर देखो, तुम्हारे कहने पर मैंने इसे बढ़ा लिया है। ग्रेस बीडल की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। तो इसके बाद भीड़ को चीरते हुए ग्रेस के पिता ग्रेस को अपने साथ लिए हुए अब्राहम लिंकन के पास पहुंचते हैं। लिंकन ने ग्रेस से बहुत सारी बातें की और अंत में उन्होंने कहा कि ग्रेस मेरी तरफ देखो, मेरी दाढ़ी की ओर देखो, तुम्हारे कहने पर मैंने इसे बढ़ा लिया है। और यह सुनते ही ग्रेस बीडल की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा, वो बहुत ही खुश हुई। इस तरह से अब्राहम लिंकन जो हैं वो उस छोटी सी बच्ची की सुझाव को मानकर उन्होंने माना और उसकी सुझाव का सम्मान रखा और साथ ही साथ इससे उन्हें भी फायदा हुआ और इस तरह उन्होंने अपनी महानता को बनाए रखा। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आया हुआ होगा। धन्यवाद।